क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। जी नमस्ते, ये आपके वो कपड़े लाया था जो सिलवाने के लिए दिए थे आपने। आपकी मम्मी का खुद फोन आया था कि आप के पास आके ये ट्राई कराया जाए। आप दे दीजिए। ये लीजिए। ये ऐसे नहीं आया, दरवाजा खोल दीजिए। ये देखिए, ये कितना सुंदर सिलाया है तुम्हारी तरह। इसे पहन के दिखाओ और बताओ कि नाप कैसा है। ये आप मुझे दे दीजिए। जाइए आप। इसमें ना मेरा सामान पड़ा है। आप अरे खोलो खोलो। देखो प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, आप चले जाओ यहाँ से प्लीज। छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। तुम औरतें समझती क्यों नहीं हो? हाँ क्यों नहीं समझती, क्यों नहीं समझती तुम कि मुझे जबरदस्ती बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज चले जाओ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। चलो ये पहन के दिखाओ कि मैंने कैसा नाप लिया है। किसी को बताने की हिम्मत बेमत करना, तेरी शादी टूट जाएगी, फिर तेरे घर वालों की बदनामी। इतना बड़ा सदमा तेरे घर वाले कैसे सह पाएंगे। और हां मेरा जब जब मन करेगा ना, तब तब मैं तुझे अपने पास बुलाऊंगा। और तुझे बिना नखरे की आना होगा। वो क्या है ना कि नखरे वाले लोग और लड़कियां मुझे पसंद ही नहीं। आप यहाँ? जी मैं किसी काम से आया था, तो आप यहीं रहते हैं? तू यहाँ पे यहाँ क्या कर रही है? और ये क्या, अभी तक तूने पूजा की किताबें नहीं लौटाई? चल बाद में लौटा देना, अभी तो मुझे बहुत जरूरी काम है। तू ऐसा कर, अरे अरे भाई मैं तो बातों बातों में पूछना ही भूल गई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप लोग यहाँ? अरे हमारा घर यहीं पे पास में है। और ये बताइए कपड़े तैयार है हमारे? बस उसी पे ही तो काम चल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करूंगी परसों आके ले जाऊंगी, तो आप कपड़े तैयार कर देना, अभी ना बहुत जरूरी कहीं जाना है। ठीक है चल। अरे लड़की छत से गिर गई, बड़ी कोई एम्बुलेंस को बुला यार। अरे कोई पुलिस को फोन करो। Thank you.
अली की घिनौनी मानसिकता ने एक मासूम लड़की की जान ले ली। पूजा की मौत का जिम्मेदार सिर्फ अली नहीं है बल्कि हमारे समाज के सभी लोग हैं जो अपनी झूठी शान बचाने के लिए बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को भी छुपाने से पीछे नहीं हटते। जब किसी लड़की का बलात्कार होता है तो हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो उसी लड़की से सवाल करते हैं, उसी पर उंगली उठाते हैं। क्यों? पूजा शायद ऐसी मानसिकता से लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली, जो कि गलत कदम था। खुदकुशी करना एक अपराध है और यहां अली अपराध पे अपराध किए जा रहा है। कब जाके रुकेगा उसकी दरिंदगी का ये सफर? है कोई जो उसके मंसूबों को नाकाम कर पाएगा? है कोई जो आवाज उठा पाएगा? आइए देखते हैं। मैं जाऊं? ठीक है, जा। रे भाई रोक! तब से आवाज दे रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा है? साहब माफ कीजिए, मैंने सुना नहीं। मालूम है ना यहाँ पर क्या हुआ? जी साहब, वो पूजा के साथ। मतलब तुम पूजा को पहले से ही जानते थे? जी साहब, मैं जानता था क्योंकि उसकी शादी का जोड़ा मैं ही सिल रहा था। कुछ मालूम है उसके बारे में? शादी से कुछ ही दिन पहले आत्महत्या क्यों की? साहब ये तो नहीं पता, पर वो ऐसी लड़की नहीं थी कि वो आत्महत्या करे। और साहब इसके बारे में उसके घर वाले बता पाएंगे कि बाहर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की? तुम्हारा कहने का मतलब है कि उसका किसी और के साथ संबंध था? तौबा तौबा साहब, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो बाहर बातें कर रहे हैं कि चक्कर था या नहीं था, ये तो सिर्फ घर वाले ही बता सकते हैं। बाहर वालों का क्या है साहब, वो तो बातें करते रहते हैं, बातें करते ही रहेंगे। पर साहब जो भी हुआ पूजा के साथ अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, तुम जा सकते हो, दोबारा जरूरत पड़ी थाने आ जाना। जी साहब। और अली भाई बताइए, कैसे आना हुआ आपका? जी मैं ऐसे गुजर रहा था, सोचा आपको बता दूं कि आपके दिए हुए कपड़े तैयार हो चुके हैं, तो आप जब चाहें दुकान पे आके ट्रायल ले सकते हैं। ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। वैसे आप तो ये बात फोन पे भी बता सकते थे ना, तो फिर यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई? जी दरअसल मैं पूजा के घर गया था, सुनकर बड़ा दुख हुआ कि आत्महत्या कर ली उसने। उसकी शादी के कपड़े मैं ही बना रहा था। देखिए ना किस्मत का खेल, कुछ हफ्तों बाद शादी थी और अब ये सब। ये तो है ही, आपको पता है लोग तो बहुत तरह तरह की बातें बना रहे हैं। आस पड़ोस के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उसका कहीं अफेयर चल रहा था, शादी ना करनी पड़े उसने इसलिए ऐसा कदम उठा लिया। और प्रीति, प्रीति को देख के तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ। आपको तो पता ही है कि मेरे पति तो इतनी दूर काम करते हैं, साल में एक बार ही तो आते हैं, और जो बाहर वाले हैं उनकी नजरें भी तो कैसी है ना, चील की तरह गड़ी रहती हैं। बस तो बस जब तक इसके भैया नहीं आ जाते ना, मैं तो उसको कहीं बाहर कदम ही नहीं रखने दूंगी। क्या भाभी, आप भी ना? पर आपको तो एक बार बाहर आना ही पड़ेगा। कहाँ? मेरी दुकान पर, आपके कपड़े जो रखे हैं वहां। अरे वो तो मैं कल ही आ जाऊंगी। अली भाई। अरे आप आइए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं? जी एक मिनट। सूट कहाँ है? फिटिंग माप लेते हैं, प्रीति आज घर पर है ना, तो हमने सोचा कि जल्दी से आपकी शॉप पर होकर जाएं। अच्छा आपका सूट, एक सेकंड। ये लीजिए आपका सूट, इसे आप ट्राई कीजिए और बताइए कैसा लगा। बहुत सुंदर है लेकिन। अच्छा आप ट्रायल रूम देख रहे हैं, मेरे यहाँ ट्रायल रूम है ना, यहाँ पे इस साइड।
अली भाई बहुत सुंदर सूट बना है, फिटिंग भी बहुत अच्छी है। कितना सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा सूट बनाया आपने। उधर से? नहीं ठीक है। और यहां से भी? नहीं अली भाई ठीक फिटिंग है। यहां से भी ठीक है? नहीं अली भाई एकदम ठीक फिटिंग है। एकदम ठीक है अली भाई। और ये ये नहीं अली भाई एकदम ठीक है। अली भाई ठीक फिटिंग है। एक सेकंड यहाँ से भी लूज है, इधर से भी लूज। अली भाई क्या कर रहे हो आप? वही जो मैं इतने दिनों से करने की सोच रहा था। जाने दीजिए मुझे। जाने दीजिए अली भाई, छोड़िए। तुम भी तो अकेली हो ना। अली भाई छोड़िए मुझे। तुम तो अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ। पति की याद तो आती होगी ना। आती होगी भाई। छोड़िए, जाने दीजिए मुझे, जाने दीजिए मुझे। जाइए जाइए, जाने दो, जाने दो ना, जाने दीजिए मुझे। जा जाओ जाओ। कहाँ? छोड़ दे मुझे, जाने जाने दो, मैं सबको बता दूंगी। अली भाई जाने दो ना। जा यहाँ जा। हाँ बात करें, जाने दो। जाने दो। छोड़ दे मुझे, जाने दे मुझे, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी। जाओ। किसको बताएगा? पूरे गांव को बताएगा। तुमने तो ये जान मुझे डराई दिया था। हाँ लगता है तुम्हारी ननद तुम्हें बहुत याद कर रही है। काट दिया। भाभी फोन क्यों नहीं उठा रही है? अब तक तूने घर वापस आ जाना चाहिए था। लगता है मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए।
पर उसको ये नहीं पता कि उसकी भाभी का दिल किसी और पर आ गया है, है ना? इस टाइम कौन मनहूस आ गया मेरा मूड खराब करने? जी वो भाभी आई थी ना यहाँ? हाँ आई थी, लेकिन वो तो चली गई जी।